नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। बिहार में नीतीश बाबू इन दिनों केंद्रीय मदद से काफी नाखुश हैं। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश बाबू पर पलटवार किया है। वहीं बिहार को एक अच्छे वित्त मंत्री रखने की भी नसीहत दे डाली है, जबकि दावा किया जा रहा है कि बिहार में 105 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें केंद्र सरकार सहायता दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस ठंड की सर्दी में भी बिहार का सियासी पारा काफी गर्म है। वहीं बीजेपी बिहार के सीएम पर हमलावर है। चलिए आपको बताते हैं पूरे मामले के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्रीय मदद से जुड़े बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का दावा है कि बिहार में 105 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें केंद्र सरकार सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले 17 वर्षों से भाजपा का वित्त मंत्री रहा, लेकिन कभी भी राज्य में वित्तीय स्थिति नहीं गड़बड़ाई। लेकिन आज मुख्यमंत्री कह रहे कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही, ऋण भी नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि उनके वित्त मंत्री इतने सक्षम हैं क्या। वहीं इस मुद्दे पर डॉक्टर जायसवाल ने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी मात्र 26% है, जबकि केंद्र की 76% हिस्सेदारी है। वहीं महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा मात्र 28% राशि ही मिलती है। बिहार में 105 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें केंद्र सहायता दे रहा है। इस तरह यह साफ है कि बिहार में वित्तीय संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा, जिस कारण ऐसी स्थिति हो रही है। साथ ही डॉक्टर जायसवाल ने नीतीश बाबू को यह नसीहत भी दे डाली कि मुख्यमंत्री को किसी सक्षम व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहिए। आपको बता दें कि राजद जदयू पर हमलावर होते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि बिहार की वैशाली की धरती ने देश ही नहीं पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इसी धरती पर क्षेत्रीय दलों में लोकतंत्र नहीं है। दो बड़े क्षेत्रीय दलों में से एक में एक परिवार से आने वाली पीढ़ी की अध्यक्ष बनेगी, जबकि दूसरे दल में एक व्यक्ति की तानाशाही हावी है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल अब इस मुद्दे पर सवाल उठता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने वित्तीय स्थिति से इतने अनभिज्ञ कैसे हैं, या फिर सच में उन्हें एक अच्छे वित्त मंत्री की जरूरत है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे कैपिटल टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।